हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरॉन्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एरॉन्स का RMX HD सीरीज एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है RMX HD 6050। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आप भी ये मिस करें। एरॉन्स के प्रोडक्ट के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एरॉन्स प्रोडक्ट के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे, तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आइए हम एम्पलीफायर के बारे में जानते हैं। ये एम्पलीफायर क्लास एच स्टेज 3 है। डंपिंग फैक्टर ग्रेटर देन 250 है। इसका वजन 37.7 किलो है। इस एम्पलीफायर का आउटपुट पावर 8 ओम पे 1150 वाट पर चैनल, 4 ओम पे 1850 वाट पर चैनल, 2 ओम पे 2550 वाट पर चैनल और ब्रिज मोड में 8 ओम पे 3700 वाट, 4 ओम पे 5100 वाट आउटपुट मिलता है। ये एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल, इसका एयर फ्लो पीछे से आगे की तरफ होता है। पावर ऑन ऑफ स्विच, पावर ऑन ऑफ LED इंडिकेटर, चैनल 1 का गियर नॉब, चैनल 1 का सिग्नल और क्लिप LED इंडिकेटर, चैनल 2 का गियर नॉब, चैनल 2 का सिग्नल और क्लिप LED इंडिकेटर, प्रोटेक्शन LED इंडिकेटर। ये एरॉन्स का ब्रांडिंग लोगो और दूसरी तरफ एम्पलीफायर का मॉडल नंबर दिया गया है RMX HD 6050। पावर सॉकेट, चैनल 1 और 2 के लिए अलग अलग सर्किट ब्रेकर दिए गए हैं। चैनल 1 का XLR और P38 इनपुट, चैनल 2 का XLR और P38 इनपुट, मोड सिलेक्शन स्विचेस, चैनल 1 का स्पीक ऑन आउट, चैनल 1 का बाइंडिंग पोस्ट, चैनल 2 का स्पीक ऑन आउट, चैनल 2 का बाइंडिंग पोस्ट। ये है एम्पलीफायर का इंटरनल व्यू। इस एम्पलीफायर में दो चैनल के लिए अलग अलग दो अच्छे क्वालिटी के कॉपर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें हर चैनल के लिए एलेना ब्रांड के ऑडियो कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। इनकी वैल्यू 10000 mFd 63 वोल्ट है। इसमें हर एक चैनल के लिए 6 पेयर तोशिबा ब्रांड के ऑडियो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए जानते हैं RMX HD सीरीज एम्पलीफायर के स्विच मोड्स के बारे में। मोड स्विच नंबर 1, ये चैनल 1 का क्लिप लिमिटर ऑन ऑफ स्विच है। हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि आप इसे ऑन रखें। मोड स्विच नंबर 2, ये चैनल 1 का फिल्टर मोड स्विच है। अगर आप इस पे सबवूफर चलाना चाहते हैं तो आप इसे 30 Hz यानी राइट साइड में सेट करें। अगर आप इस पे लाइनरीज और टॉप चलाना चाहते हैं तो आप इसे 50 Hz यानी लेफ्ट साइड में सेट करें। आपका जैसा यूज़ होगा वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोड स्विच नंबर 3, ये चैनल 1 का मोड 2 को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोड स्विच नंबर 4-5 पैरेलल मोड सेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोड स्विच नंबर 6-7 ब्रिज मोड सेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोड स्विच नंबर 8, ये चैनल 2 का मोड 9 ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। मोड स्विच नंबर 9, ये चैनल 2 का फिल्टर मोड स्विच है। अगर आप इस पे सबवूफर चलाना चाहते हैं तो इसे आप 30 Hz यानी राइट साइड पे सेट करें। अगर आप लाइनरेज और टॉप चलाना चाहते हैं तो इसे आप 50 Hz यानी लेफ्ट साइड में सेट करें। मोड स्विच नंबर 10, ये चैनल 2 का क्लिप लिमिटर ऑन ऑफ स्विच है। हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि आप इसे ऑन रखें। अभी हम जानते हैं स्टीरियो मोड कैसे सेट करना है। स्टीरियो मोड सेट करने के लिए मोड स्विच नंबर 1, 2, 9, 10 ये राइट साइड में सेट करने होंगे, जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और स्टीरियो मोड में चैनल 1 और 2 के लिए अलग अलग इनपुट देना होगा। वॉल्यूम कंट्रोल दोनों का अलग अलग रहेगा। Say why you're a stranger now. Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel?
weeks gone. पैरेलल मोड सेट करने के लिए मोड स्विच नंबर 4-5 को राइट साइड में सेट रखना होगा, जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पैरेलल मोड में चैनल 1 में इनपुट देना होगा, आउटपुट चैनल 1 और 2 दोनों में भी मिलेगा। वॉल्यूम कंट्रोल दोनों का अलग अलग रहेगा। ब्रिज मोड सेट करने के लिए मोड स्विच नंबर 4, 5, 6, 7, 8 राइट साइड में सेट रखने होंगे, जैसे हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और ब्रिज मोड में चैनल 1 को इनपुट देना होगा। आउटपुट के लिए एम्पलीफायर के पीछे की तरफ रेड कलर में बाइंडिंग पोस्ट का इस्तेमाल करना होगा, जैसे एम्पलीफायर में मेंशन किया गया है। और वॉल्यूम कंट्रोल चैनल 1 पे रहेगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।